व्हाट्सएप वीडियो पीपल, वेलकम टू मेरी चैनल। तो गाइज, आप में से सारे लोग, ज़्यादातर लोग मेरा चैनल पे ब्लॉग देखने के लिए आते हैं। तो गाइज, आज कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं एक सीरियस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जो कि है फ्लड इन असम। मतलब असम का रहने वाले और सिलचर में रहने वाले, इन लोग को पता है कि असम का लोग कितना परेशानी झेल रहा है। असम का हालत ना वाइज बहुत भयंकर वाला सीन होकर रखा है। इधर तो गाइज नया घर बन रहा है, और एक घर जो हम अभी फिलहाल रहे थे इधर बना के, ये गाइस इस घर से बहुत नीचा है। उस वजह से इसका अंदर पानी भी घुस गया था दो दिन पहले, तो उसको फेंका, बाहर फेंका गया। सुबह गाइस बहुत खुश हुआ था कि नए दिन से लगातार बारिश दे रहा है, और आज 10वां दिन है। तो आज मतलब सुबह, मतलब बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैं बहुत खुश था। और 10 दिन में गाइस ऐसा हुआ कि आज 29 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था सुबह, तो मैं बहुत खुश था। लेकिन गाइस दोबारा फिर से बारिश आ गया था, और थोड़ी देर पहले ही बारिश रुक गया। अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन गाइस आसमान का हालत देखो गाइस, मतलब भयंकर वाला है। मतलब बारिश दोबारा आने वाला है। आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं मेरा चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इतना दिन से। एक्चुअली गाइस वीडियो डालने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। मतलब बाहर रास्ते का हालत, मतलब देखो इधर से दिख रहा है आपने पता नहीं, और उस तरफ मतलब ऑलमोस्ट फ्लड हो चुका है रास्ते में। बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, और ऊपर से गाइस मतलब आसाम से इतना बुरा न्यूज़ आ रहा है ना कि क्या बताओ। मतलब बहुत दुख लगा यार, स्पेशली फ्रॉम डीमा हसाव। मतलब डीमा हसाव का हालत तो मतलब एकदम ख़राब हो के रखा है। मैं आपको मतलब इस वीडियो में कुछ फुटेज देने का कोशिश करूँगा, देख लेना मतलब कितना हालत ख़राब हो के रखा है। पहले डीमा हसाव मतलब कैसा था, जो असम में जो डीमा हसाव है ना गाइस, वो द ड्रीम लैंड बोल के जाना जाता है। लेकिन आज जो डीमा हसाव है ना गाइस, आपको देख के मतलब क्या बताऊँ, इतना बुरा लगेगा ना इस। तो फिलहाल तो गाइस मैं घर पे हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाके देखता हूँ सिलचर का हालत कैसा है। तो अभी बाइक लेके निकलूँगा, और आपको भी दिखा दूँगा रास्ते का हालत कैसा है। डेमन्स को अरे बाहर से निकल लिया मैं। एक्चुअली गाइस मेरा डेमन्स मेरा घर पे अभी फिलहाल नहीं रहता है, दीपक का घर पे रहता है, क्योंकि हमारा उस तरफ वो बाइक लेके घुसना एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उधर मतलब रास्ते का हालत पूरा मतलब इतना ख़राब होकर रखा है, बाइक लेके घुसना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसलिए मेरा बाइक को दीपक का घर पर रखता हूँ, तो उधर अंदर जाके दीपक का घर है। तो गाइस ये है हमारा मेन रूट। मतलब इधर एक इंटरेस्टिंग बात है कि गाइस 5 साल हो गया मैं सिलचर आया हुआ है, और गाइस इधर में कभी भी ऐसा पानी नहीं हुआ। मतलब हर साल मतलब लगभग फ्लड होता ही इधर, और इस बार रास्ते में कुछ काम हुआ इस वजह से इधर पानी नहीं हुआ। इधर गाइस मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलचर में सारे मतलब टाउन पे जल पानी हो चुका है। लेकिन गाइस हमारा एक इंटरेस्टिंग बात है कि गाइस इस रास्ते में इस बार तो पानी नहीं हुआ, लेकिन आगे अगर 2-3 दिन बारिश देगा तो गाइस इस रास्ते में भी पानी होने वाला है।
तो गाइज फिलहाल मैं कालीबारी चौर पे और इधर एक्चुअली मैं कभी आया नहीं, आज फर्स्ट टाइम आया बस देखने के लिए कि लोगों का हालत कैसा है। और गाइज मतलब इधर देखो पीछे बराक नदी और इसका हालत देखो गाइज कितना भयंकर वाला सीन होकर रखा है। और इधर जो पानी का मतलब फ्लो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये सिलचर में एक ऐसा जगह है जो कि मतलब पूरा सिलचर में एंटायर सिलचर में सबसे नीचा जगह है और इधर नॉर्मली पानी इतना तक रहता है लेकिन बारिश के वजह से गाइज मतलब पूरा यहाँ से लेके इतना तक फ्लड हो गया और इधर से जितना भी घुग्घर है ना गाइस पूरा पानी का अंदर चला गया। मतलब एक भयंकर वाला सिचुएशन होकर रखा है। मतलब और एक या दो दिन अगर अच्छे से बारिश दे लगातार ऐसा बारिश देते रहा तो गाइस पानी रास्ते में उड़ जाएगा। और गाइस यहाँ से अगर रास्ते में पानी उड़ गया ना गाइस मतलब सिलचर का हालत इतना भयंकर होने वाला है ना, मतलब पूरा टिमा हंसा वाला सीन होने वाला है इधर। मतलब देख के बहुत बुरा लग रहा है गाइस। आपको मैंने थंबनेल में जैसे कि बोला एक हेल्प मांग रहा हूँ आप सबसे, ये हेल्प मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि भाई डिस्क्रिप्शन में एक बैंक अकाउंट का नंबर दे रहा हूँ, इसमें आप जितना हो सके आपका हिसाब से पैसा दे दो तो मैं सारे पीपल को आसाम का पीपल को मैं हेल्प कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं गाइस। मेरा तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आसाम वासियों के लिए, बस एक प्रे करना भगवान का पास सो देट जितना जल्दी हो सके ये मतलब बारिश जो है वो कम हो जाए और हमारा जो सिलचर पहले का जैसा हो जाए। डीसी का गाड़ी है मतलब जा रहा है शायद कुछ उन लोग को पूछने वाला है, हेल्पफुल में देखने के लिए आया इधर मतलब उन लोग मतलब हालत कैसा है वो देखने के लिए आया है और उसके बाद कुछ प्रिक्यूशन लिया जाएगा। देखो इधर अंदर पुलिस है जो कि सबसे जो भी अच्छी बात भी है। और गाइज मतलब काचर का जो डीसी है ना बहुत ही हेल्प कर रहा है, पीपल को रिलीफ भी दे रहा है और ऐसे भी बहुत जितना हो सके उतना हेल्प कर रहा है। गाइस फिलहाल हम लोग सिलचर का एक ऐसा जगह पे जिस जगह को लेके मतलब सिलचर के सारे पीपल ज़्यादा डरे क्योंकि यहाँ से अगर मतलब पानी रास्ते में उठ गया ना गाइस पूरा मतलब सिलचर पानी का अंदर जाने वाले। और अभी मतलब रास्ते से लगभग एक या देर रात नीचे है पानी गाइस। देखो कुछ सेफ्टी के लिए मतलब जो बस्ते होते वो दिया हुआ है। तो गाइस उस तरफ है मतलब सिलचर और इधर है बराक नदी और यहाँ से मतलब रास्ते तोड़ मतलब रास्ते का ऊपर अगर पानी आ गया तो उस तरफ जाने वाला है, तो उस तरफ अगर चला गया ना गाइस मतलब सिलचर पूरा पानी के अंदर डूबने वाला है। और कितना ज़्यादा पानी है गाइस देखो। तो फिलहाल तो गाइस हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं और गाइस इधर इधर देखो गाइस मतलब धीरे धीरे इधर यहाँ का पानी मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। अब तो कह नहीं सकता कि थोड़ी देर बाद क्या हालत होने वाला है, तो अभी फिलहाल तो घर में चला जाऊँगा, अब बस प्रे करो कि ऐसा ना हो बस वही कहना है। तो चलो चलते हैं। तो फिलहाल तो गाइस मैं हुआ से मतलब राहुल का घर पर आ चुका हूँ और भाई आते ही ना एक बहुत बड़ा एक बैड न्यूज़ मिला कि सिलचर में जो पानी घुसना स्टार्ट हो चुका है। अभी तो बोल नहीं सकता गाइस सिलचर का हालत कैसा होने वाला है, द कंडीशन ऑफ सिलचर इज गोइंग टू बी वेरी वर्स्ट। मतलब आप तो गाइस कुछ कर नहीं सकते, वी कांट ब्लेम एनीवन क्योंकि किसी को ब्लेम नहीं कर सकता गाइस क्योंकि इसमें किसी का हाथ नहीं है। और आई थिंक मदर नेचर इज टेकिंग रिवेंज बिकॉज कुछ दिन पहले जो डोलू में 100 जेसीबी लगा के एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे को काटा गया है, शायद नेचर इज टेकिंग रिवेंज ऑफ दैट। तो पता नहीं गाइस, और लोग जो बोलते हैं ना गाइस पैसा ही सब कुछ है, आप कहा गया पैसा, आप क्या मतलब गवर्नमेंट अगर चाहता भी है तो पैसा से कुछ भी नहीं कर सकता, क्या गवर्नमेंट मतलब पैसा से बारिश को बंद कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। तो अभी बस एक ही उपाय है कि जितना हो सके गाइस उतना ज़्यादा प्रे करो। और गाइस मैं इस वीडियो में आप सबको कुछ बोलूँगा नहीं कि भाई मेरा चैनल को लाइक करो, आपको मर्जी हो तो लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी नहीं बोलूँगा गाइस, एक ही रिक्वेस्ट है बस इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइस मतलब शेयर कीजिए और कैप्शन में लिख दीजिए हैशटैग प्रे फॉर असम क्योंकि जितना लोगों तक पहुँचेगा सब मिलके जब प्रे करेंगे उम्मीद करते गाइस हमारा सिलचर या असम पूरा पहले का जैसा हो जाए। और इंडियन एयरफोर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हेल्प द पीपल ऑफ असम एंड बिग सल्यूट टू देम गाइस। गवर्नमेंट भी जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं, जितना जो भी प्रिक्यूशन लिया जाए वो प्रिक्यूशन ले रहा है, बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी दिया जा रहा है बहुत सारे जगह पे, तो स्पेशल थैंक्स टू देम। आज का ब्लॉग गाइस आज का इस वीडियो को याद आके रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद नंदू 01 ब्लॉग्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।